हाई एवरी वन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स. फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले तक वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में डायबिटीज़ ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में डायबिटीज़ ये एक बहुत कॉमन डिसीज़ बन चुका है, और अलॉन्ग विद डिसीज़ कम्स इट्स कॉम्प्लिकेशन. और इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, एंड दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में. तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बताती हूँ कॉजेज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी इज अनकंट्रोल्ड और इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल. यानी कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, अगर आपकी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल यानी कि खाने के 2 घंटे बाद जो ब्लड शुगर हम चेक करते हैं वो अगर 200 के लेवल के से ज़्यादा है, तो आपके हायर चांसेस है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन या डायबिटिक न्यूरोपैथी में लैंड होने के. या फिर अगर आपका HbA1c लेवल, जो कि एवरेज ब्लड शुगर लेवल होता है, वो अगर 7 या 7 से ज़्यादा है, तो आपके हायर चांसेस है डायबिटिक न्यूरोपैथी में लैंड अप करने के. सो फ्रेंड्स, आपकी ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट कॉमन कॉज है डायबिटीज़ का कि क्रॉनिसिटी ऑफ डायबिटीज़. यानी कि आपको डायबिटीज़ की तकलीफ शुरू होकर 10 से 15 साल बीत गए हो और उस दौरान आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में ना हो, तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के पूरे चांसेस होते हैं. नेक्स्ट कॉमनेस्ट कॉज इज प्रेजेंस ऑफ एनी कोमॉर्बिडिटी अलोंग विद डायबिटीज़. यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ के साथ बीपी या हार्ट से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड कोई तकलीफ हो, तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और एनी टोबैको रिलेटेड हैबिट और लाइफस्टाइल. इन सब चीज़ों से आपके डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि डायबिटीज़ से आपके नर्व्स पे जो एक्शन होती है वो बढ़ जाती है, और कुछ दिनों बाद नर्व्स अच्छे से काम करना बंद हो जाते हैं. अब मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में. फ्रेंड्स, मोस्टली देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी. उसमें से सबसे पहले आता है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी. पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसका मतलब है कि जो हमारे पाँव में या पैरों में जो नर्व्स होते हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं. जो लोअर लेग्स या फीट में जो नर्व्स होते हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं इस न्यूरोपैथी में. और उसके बाद हमारे हाथ या फिर पाम्स में जो इफेक्ट होते हैं वो भी कॉम्प्लिकेशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आते हैं. नेक्स्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ न्यूरोपैथी इज प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी. यानी कि जो हमारे थाइज में या बटॉक्स में या कमर के एरिया में के जो नर्व्स इफेक्ट होते हैं वो आते हैं प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी में. उसके बाद थर्ड मोस्ट कॉमनेस्ट इज ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी. यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या सेक्शुअल ऑर्गन से रिलेटेड जो नर्व्स बॉडी में होते हैं वो जब डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस या डायबिटीज़ होने के साथ साथ उन ऑर्गन से रिलेटेड तकलीफ होती है, तो उसे हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है फोकल न्यूरोपैथी. यानी कि कोई भी एक नर्व, जो मेन नर्व होती है आपके बॉडी में, वो इफेक्ट होती है और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं. इसका एग्जाम्पल एक मैं दूंगी, वो है बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हाफ साइड ऑफ योर फेस इज अफेक्टेड, क्योंकि उस साइड को सप्लाई करने वाले नर्व्स आपके अफेक्ट होते हैं. नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि द सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में. तो जैसे ऑर्गन्स या जैसे नर्व्स चेंज होंगे जो अफेक्ट हो रहे हैं आपको न्यूरोपैथी से, तो आपके सिम्टम्स भी चेंज होंगे. लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स मैं बताती हूँ. So, starting from the first most important symptom, that is tingling and numbness. यानी कि हाथ या पाँव पैरों में मुंगिया आना, या कोई particular organ सुन्न हो जाना, या फिर वहाँ पे कोई sensation feel ना होना, ये सारे common symptoms है diabetic neuropathy के. साथ ही अगर आपको
एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को अचानक से गर्मी महसूस होती है, बहुत जलन महसूस होती है, या फिर जैसे कि बहुत सुइयां चुभ रही है ऐसा फीलिंग होता है, तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। और इस सिम्टम को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वार्निंग सिम्टम्स है फर्स्ट टाइम आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी का डायग्नोसिस करने के लिए। और इसीलिए आपको डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट कॉमन सिम्टम जो आता है इन सिम्टम्स के बाद में, वो है कि आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई सेंसेशन फील नहीं होता। जैसे कि आप सो रहे हैं या फिर आप किसी पथरीली जगह पर से जा रहे हैं और आपको पाँव में अचानक से लग जाता है, लेकिन ये आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं आता क्योंकि उस वक्त आपको कोई चोट महसूस नहीं होती। और ऐसे समय पर अगर आप उस चोट को इग्नोर करते हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो चोट अल्सर में कन्वर्ट हो सकती है और आगे जाके गैंग्रीन तक भी जा सकती है। और उसके लिए एक ही सॉल्यूशन बचता है एंड में, वो की है उतनी उंगली काट देना, जिसे हम एम्प्यूटेशन कहते हैं। लेकिन ये सब लेटर स्टेजेस में आता है, इसीलिए आपको प्राइमरी स्टेज में डायबिटिक न्यूरोपैथी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट कॉमनेस्ट सिम्टम जो होता है वो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स मोस्टली रात में ज़्यादा महसूस होते हैं। जब शाम में या रात में सोने के समय पर मोस्ट कॉमन एक सिम्टम होता है कि जो भी चद्दर या जो भी हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं उसका टच भी आपकी स्किन, आपके फिंगर्स सहन नहीं कर पाते। और बहुत बार ये कॉमन सिम्टम होता है डायबिटीज के पेशेंट से मिलने वाला, कि ब्लैंकेट सहन नहीं होता और ब्लैंकेट को निकाल के रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ द पेन या बिकॉज ऑफ द चुभन का जो सिम्टम है उसकी वजह से। और किन किन पेशेंट्स में तो बर्निंग या जलन का सिम्टम भी नज़र आता है। सो फ्रेंड्स, ये कॉमनेस्ट सिम्टम्स है डायबिटिक न्यूरोपैथी के। अब मैं बताती हूँ मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट जो है वो है कि आपके डायबिटीज़ को या आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है आपके शुगर लेवल्स और आपके डायबिटीज़ को ठीक से मेंटेन करने के लिए। मिनिमम 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज़ वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट कॉमन मैनेजमेंट मैं बता दूँ कि प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। उसके साथ ही आपको प्रॉपर केयर ऑफ योर फीट एंड लेग्स करना बहुत ज़रूरी है। आपके पैरों में आपको नेल्स की अच्छी तरह से देखभाल करना, या फिर पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना, ड्राई रखना, क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। अगर ये सब केयर आप नहीं लेंगे तो आगे जाके, जैसे मैंने पहले बताया था कि छोटी सी चोट भी बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप हो सकती है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नर्व्स से रिलेटेड फंक्शंस में। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि डायबिटिक पेशेंट्स को विटामिन बी का इंक्लूड आपको आपके डाइट में करना चाहिए। साथ ही काफ़ी डॉक्टर्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट जो होती है, फूड सप्लीमेंट का मतलब, ये टैबलेट दी जाती है सो दैट कि पेशेंट्स डायबिटीज़ में से डायबिटिक न्यूरोपैथी में लैंड अप ना हो या वो डिसीज़ प्रोलॉन्ग हो सके। सो विटामिन B12 की सप्लीमेंट टैबलेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ डायबिटिक्स। सो फ्रेंड्स, Hope you liked the video and don't forget to like, share and subscribe Health Talks for more upcoming health related videos.